बंदे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड एक्साइटमेंट का कारण ये है कि ओबीटी के अपडेट के बाद हमारा जो गेम है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। जो हमारा गेम है वो ओल्ड फीफा जैसा बनने वाला है। एंड कुछ दिनों पहले हमारे गेम के अंदर एक फॉर्म आया था एंड उसमें हम लोगों से पूछा गया था कि हम लोगों को कौन से कौन सी गेम के अंदर रिटर्न चाहिए, तो उसमें से कौन से कौन सी हमारे गेम के अंदर आ सकती है, हम लोग आज में बात करने वाले हैं। उसके बाद आज में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा ओबीटी का अपडेट है वो कब आने वाला, कितनी तारीख को आने वाला है एंड उसमें कौन से कौन चेंज होने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड उसके अलावा अगर आप लोग फ्री में डायमंड चाहिए, फ्री में रिडीम कोड चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आप लोगों को वीडियो का लिंक दिया, जाकर वॉच कर लो। अगर आप लोग वीडियो वॉच करते हो एंड ट्रिक को ट्राई करते हो तो आप लोग एकदम फ्री के अंदर डायमंड्स एंड रिडीम कोड ले पाओगे। तो अगर आप लोगों को फ्री के अंदर डायमंड्स रिडीम कोड चाहिए बिना किसी मेहनत के, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक मिलेगा, जाके वीडियो को वॉच कर लो। तो आप लोग पता होगा कुछ दिनों पहले गिरेन ने एक फॉर्म हम लोगों को दिया था एंड उसमें गिरेन ने हमसे पूछा था कि हम लोगों को कौन कौन सी गेम के अंदर रिटर्न चाहिए। एंड उसके अंदर बहुत सारी चीजें मेंशन करी गई थी, उसमें बहुत चार्जेस और डायमंड भी था, उसमें बहुत सारी ओल्ड चीजें फ्री फायर ने मेंशन करी थी एंड उस फॉर्म को बहुत सारे बंदों ने फिल किया है। तो उस चीजों में जो भी बंदों ने फिल किया है उसमें कुछ चीजें आप लोगों को ओबीटी के अपडेट के अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों ने जो वहाँ पर सिलेक्ट किया था वो हर एक चीज आप लोग गेम के अंदर देखने को मिलेगी, हर एक चीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, कुछ चीजें ही आप लोगों को गेम के अंदर वापस देखने को मिलेगी। एंड मुझे पता है कि आप सभी लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वॉच एक्शन अर्न डायमंड के लिए, क्योंकि वॉच एक्शन अर्न डायमंड एक ऐसा इवेंट था जिसके अंदर आप लोगों को एड देखने के बदले एकदम फ्री के अंदर डायमंड मिलते थे। सर वॉच एक्शन अर्न डायमंड के अंदर आने के चांस तो मुझे बहुत कम लग रहा है, लेकिन लीक के अकॉर्डिंग भरा जा रहा है। जैसे मैं ऐसा सोच रहा है कि एक गेम खेलने के बदले फ्री फायर प्लेयर्स को एक डायमंड फ्री में दिया जाए, मतलब आप लोग सोच सकते हो कि अगर आप लोग एक गेम खेलोगे तो एक गेम खेलने के बदले आप लोगों को एक डायमंड फ्री में मिल जाएगा। वैसे अगर आप लोग एक दिन में 100 गेम खेल लेते हो तो आप लोगों को 100 डायमंड डेली की फ्री मिल जाएगी। एंड अगर फ्री फायर ये चीज कर देता है तो दोनों का फायदा होने वाला है, फ्री फायर प्लेयर्स का फायदा हो जाएगा एंड गेमर का फायदा हो जाएगा। और उस फॉर्म के अंदर और बहुत सारी चीजें मेंशन करी गई, जैसे कलहारी को बैक लाओ रैंक में, या फिर उसके अंदर मेंशन किया गया ग्लाइडर को, एंड बहुत सारी चीजें उसके अंदर मेंशन करी गई है। सर उसमें जो छोटी छोटी चीजें दी गई है वो तो चेंजेस कर जा सकते हैं हमारे ओवरऑल अपडेट के बाद, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो शायद आप लोगों को कुछ अपडेट बाद देखने को मिले। एंड मैं आप लोगों को फिर से चीज बता दूं कि हर एक चेंजेस इस अपडेट के अंदर नहीं होने वाले, इस अपडेट के अंदर बहुत कम चीजें चेंज होगी एंड ज्यादा चीजें हैं वो आने वाले अपडेट के अंदर चेंज किया जाएगा। एंड अभी तो हमारा एडवांस रो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, जो हमारा एडवांस रो है वो 10 तारीख को स्टार्ट होना 10 मार्च को एंड 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक चलने वाला है। एंड जब हमारा एडवांस रो स्टार्ट हो जाएगा तो उसके अंदर हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे गेम के अंदर क्या क्या चीजें चेंजेस होने वाला है ओबीटी के अपडेट के बाद। तो बात करते हैं कि जो हमारा ओबीटी का अपडेट होने वाला है वो किस तारीख को आने वाला है। तो गाइस जो हमारा ओबीटी का अपडेट है वो आने वाला है 22 मार्च को। तो 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक हमारा एडवांस रो चलेगा एंड फिर उसके एक हफ्ते बाद आप लोगों को हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगा हमारा न्यू ओबीटी का अपडेट। एंड लीक के अकॉर्डिंग बता जा रहा है कि 23 मार्च को हमारा नया फ्री फायर प्ले स्टोर के अंदर वापस आने वाला है। अब देखते हैं 23 मार्च को हमारा ओल्ड फ्री फायर यानी कि नया फ्री फायर वापस आता है कि नहीं आता है प्ले स्टोर पे, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि आप लोगों को 22